हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए अब मेरी दूसरी वीडियो पे मिलते हैं, जो है स्पेसिफिकली ऑन व्हाट आर दी प्लेसेस और साइट सीइंग यू कैन डू इन टेकड़ी। सो टेकड़ी स्पेशली इफ नोन फॉर दी एलिफेंट जंक्शन। एलिफेंट जंक्शन से मैं आपको दो तीन चीज़ें बताती हूँ एलिफेंट जंक्शन के बारे में। मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ट्रिप टू केरला वाला वीडियो का लिंक भी लगाऊंगी, जिससे आपको समझ जाएगा कि वाई आई एम सेइंग एलिफेंट जंक्शन। मोरओवर मैं अपना शॉर्ट का भी लिंक लगाऊंगी, जिसमें आपको देखोगे कि जो एलिफेंट शावर्स कैसे हो रहा है। मैं एलिफेंट के ऊपर बैठी और एलिफेंट शावर कर रहा है पानी का। सेकेंडली स्क्रबिंग, एलिफेंट स्क्रबिंग होती है। सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मतलब इट्स लाइक वर्थ स्पेंडिंग मनी। बट हाँ, एक तरफ एक चीज़ को सोचिए, बहुत दुख हुआ कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, जब मैं वहाँ गई थी तो आप जानते हो जो उनके दांत होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली। सो वहाँ पे जब मैं गई तो उनके दांत नहीं थे, उन एलिफेंट्स के दांत नहीं थे। एंड डेफिनेटली वो थोड़े से ट्रेंड हैं, अनट्रेंड भी हैं, तो वो उन्हीं की, मतलब एलिफेंट्स जो होते हैं वो वहाँ के लोगों की ही भाषा समझते हैं। सो नेवरदलेस उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इतना बोलूँगी, देर आर 3-4 थिंग्स डेट जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। फर्स्ट इज एलिफेंट कैंप, जो आप थेकड़ी में देखेंगे। सेकेंड इज पेरियार नेशनल पार्क, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे। वहीं पे पेरियार लेक है। देन वी हैव अ मुद्रा कल्चरल सेंटर, बिकॉज हम लोग साउथ में हैं, तो अलग अलग तरह के जो कल्चरल वहाँ की चीज़ें होती हैं वो पता लगती हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑन दी वे जब हम कोची से मुन्नार जाते हैं तो हमने पेरियार स्पाइस गार्डन देखा था, तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक स्पाइस गार्डन है। आपको इन सब एरिया में स्पाइस गार्डन मिलेगा, बिकॉज साउथ इज़ वेरी गुड फॉर देयर स्पाइसेस। जब भी आप वहाँ जाएँ, प्लान करें, सो आप एक स्पेशल बैग स्पाइसेस के लिए रखिएगा, अपने लिए, अपने रिलेटिव्स के ख़रीदने के लिए। आई मिस दैट, मैं बहुत सारा नहीं लेकर आ पाई, बट मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारा लाना चाहिए था, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ थी जो मतलब आई कैन यूज़ इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, क्योंकि सारे खड़े मसाले, गर्म मसाला, इलायची, इमली, लौंग, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आप सब ला सकते थे अपने लिए। मतलब इट्स द बेस्ट गिफ्ट मुझे लगता है जो केरला से हमको अपने रिलेटिव्स के लिए लाना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देन वहाँ पे है एलिफेंट कैंप। सो जब हम एलिफेंट कैंप या एलिफेंट जंक्शन की बात करते हैं, तो एलिफेंट शावर, एलिफेंट जंक्शन इज़ अ मस्ट गो एज पर इन माई ओपिनियन। बाकी मेरे व्यूअर्स की अपनी विश है। तो एलिफेंट जंक्शन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एलिफेंट फीडिंग वन थिंग, एलिफेंट शावर्स, एंड सेकेंड इज एलिफेंट स्क्रबिंग। सो इन तीनों का वहाँ पैकेज होता है, आप वहाँ जाइए, टिकट परचेज करिएगा। डिपेंड अपॉन आपको क्या करना है उसके हिसाब से मिलेगा। मैंने एलिफेंट शावर एंड एलिफेंट स्क्रबिंग लिया था, और चूँकि एलिफेंट को गणेश जी का सूचक माना जाता है और हम उनकी पूजा भी करते हैं, तो जो भी हम उनको देना चाहते हैं तो इन रिटर्न वो हमको ब्लेसिंग भी देते हैं। सो मेरी पर्सनल ओपिनियन में वो सबसे बेस्ट जगह है थेकड़ी की, आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। सो माय व्यूअर्स, ये था स्मॉल ब्रीफ वीडियो ऑन थिंग्स टू डू इन थेकड़ी विच इज़ इन केरला। अदरवाइज़ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं थेकड़ी में देखने के लिए, बट डेफिनेटली बात है हर एक चीज़ हम लोग नहीं देख पाते। तो आई एम गिविंग यू फ्यू मेजर प्लेसेस विच यू कैन सी, डू दी साइट सीइंग ऑफ दोज प्लेसेस स्पेसिफिकली इन थेकड़ी। सो likewise I said in my other video, all of my content is original. If you like my video, my content, do like my video, share with your friends, and kindly subscribe my channel. Bye bye, take care.